नाजरनवामी न्यूज में खबरें सिलसिलो जारी है वक्ता के हैदराबाद में खबर इंदड़ इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल सांगड़ के तक पीएस 46 ते जीडीए उम्मीदवार की कामयाबी खिलाफ दाखिल कल पीपी उम्मीदवार की दरख्वास्त ते 3 साल बाद फैसलो महफूज कर छो है। 2018 की आम चूंडन दौरान पीपी के हारियल उम्मीदवार राणा अब्दुल सत्तार जीडीए उम्मीदवार वरियाम फकीर की कामयाबी के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कयो हो जैसे बुधनी जस्टिस अमजद अली सेतो ते बदल इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कई बुधनी दौरान जीडीए उम्मीदवार के वकील दलील दींदे दरख्वास्त बुधन जोगी न है छाकाण त राणा अब्दुल सत्तार बेहर गणप जीस्ता कई है जडे त कें भी पोलिंग स्टेशन ता धांधली बाबत को सबूत फराम न थियो है न ही इन मामले बाबत अदालत में को सबूत पेश कयो वयो है। पीपी उम्मीदवार के वकील अदालत के आगाही दींदे इलेक्शन कमीशन पारा नतीजा पधरा करण बाद रिटर्निंग ऑफिसर के बेहर गणप लाए शिकायत कई हुई पर इन तदारुक न कयो जे करे मामले के ट्रिब्यूनल में चैलेंज कयो है। अदालत दोरन जा दलील बुधन बाद दरख्वास्त ते फैसलो महफूज कर छो वाजे रहे तो 2018 की आम चूंड दौरान इलेक्शन कमीशन जीडीए उम्मीदवार के कामयाब करार दिनो हो जैसे पीपी उम्मीदवार 900 वोटन के फर्क बाबत धांधली जो इल्जाम हनी पटीशन दाखिल कराई हुई। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awaminewshd.com।